जब से मनुष्यों ने पृथ्वी पर चलना शुरू किया तब से कई सभ्यताएं विकसित हुई, फली फूली और समाप्त हुई। दशकों तक अकेले छोड़ दिए गए उनके अस्तित्व का प्रमाण धीरे धीरे रेत और पृथ्वी की परतों के नीचे दब गए। और अब आर्कियोलॉजिस्ट ने कई ऐसी वस्तुओं पर ठोकर खाई जो उन खोई हुई सभ्यताओं की याद दिलाती है। ये कलाकृतियाँ हमारे पूर्वजों के जीवन जीने के तरीके के बारे में बहुत कुछ बताती है, लेकिन कुछ प्राचीन वस्तुएं ऐसी हैं जो हमारे रहस्य को लपेट कर रखती है। और आज ऐसी ही तीन प्राचीन कलाकृतियां हैं जो रहस्य में डूबी है। नंबर 1, थॉर हैमर। हैमर ऑफ थॉर से मिलता जुलता 10वीं शताब्दी की वाइकिंग कलाकृति की खोज ने उत्तरी यूरोप में पाए जाने वाले हजार से अधिक प्राचीन ताबीज के लंबे समय से चल रहे रहस्य को सुलझाया है। अवशेष म्योलनियर ताबीज के रूप में भी जाना जाता है। हथौड़े का चित्र जिसे इतिहासकारों ने नॉर्स भगवान थॉर से जोड़ा है, हालांकि यह निश्चितता से नहीं कहा जा सकता था क्योंकि उनकी आकृतियां निर्णायक नहीं थी और उनमें से किसी में भी शिलालेख नहीं थे जिससे उनकी पहचान का पता चल सके। लेकिन इसी तरह का एक और पेंडेंट कोबलेव में पाया गया था जो कि लोलैंड के डैनिश आइलैंड पर था, जिसमें धावी का शिलालेख था। कांस्य में कास्ट और संभवतः चांदी, टीन और सोने के साथ मढ़वाया गया इस 1100 वर्षीय पेंडेंट से पता चलता है कि थॉर के मिथक ने वाइकिंग गहनों को गहराई से प्रभावित किया था। नॉर्स पौराणिक कथाओं के अनुसार थॉर हैमर बिजली, तूफान, ओक के पेड़, शक्ति, मानव जाति की सुरक्षा, उपचार, पवित्रता और प्रजनन क्षमता से जुड़ा एक हथौड़ा चलाने वाला भगवान था। जर्मन लोगों के दर्ज इतिहास में थॉर एक प्रमुख रूप से उल्लेखित देवता है। नंबर 2, लूसी। 1974 में इथियोपिया के अफार त्रिभुज में काम करने वाले पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्टों ने होमेनिन प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस से संबंधित हड्डी के सैकड़ों जीवाश्म का पता लगाया। हड्डियों ने उस प्रजाति की मादा के कंकाल का लगभग 40% प्रतिनिधित्व किया जो लगभग 3.2 मिलियन साल पहले रहती थी। वैज्ञानिकों ने इस कंकाल को लूसी करार दिया। दशकों तक लूसी ने एफ्रेंसिस के एकमात्र ज्ञात कंकाल का प्रतिनिधित्व किया। 1970 के दशक में प्रजातियों के सदस्यों से संबंधित कई अन्य हड्डियों को पाया गया था, लेकिन 1990 के दशक तक अधिक पूर्व नमूने का खुलासा नहीं किया गया था। आधुनिक मनुष्यों की तरह एफ्रेंसिस दो पैरों पर सीधा चलता था, लेकिन हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि लूसी और उसके परिजन भी पेड़ पर चढ़ने के लिए अपनी लोड बेयरिंग भुजाओं का इस्तेमाल करते थे, जहां उन्होंने भोजन की तलाश की होगी या भूखे शिकारियों से छिपे होंगे। नंबर 3, सोटन हो। इंग्लैंड के पूर्व में स्थित सोटन हो प्रारंभिक मध्ययुगीन कब्रिस्तानों की साइट है, जिसमें दफन एक एंग्लो-सैक्सन जहाज भी शामिल है। सबसे शानदार पुरातत्विक खोजों में से एक जिसे ग्रेट ब्रिटेन में खोजा गया था 1939 में जहाज का पता लगाया गया था, जब सोटन हो इस्टेट के जमींदार एडिट ब्रिटी ने आर्कियोलॉजिस्ट बेसिल ब्राउन को अपनी संपत्ति पर एक बड़े दफन टीले की जांच करने के लिए कहा था। टीले के अंदर ब्राउन को 86 फीट लंबे जहाज के अवशेष मिले जो खजाने से भरे हुए थे, और इस जहाज के साथ एक लंबे समय से मृत एंग्लो-सैक्सन नेता का कंकाल भी मिला। दफन टीले के कलाकृतियों में एक लोहे का हेलमेट, सोने के गहने और चांदी के बर्तन शामिल हैं, जिनमें से कई ब्रिटिश म्यूजियम में प्रदर्शित हैं।